गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है और अब बज रहे हैं सुबह के 7। अब हम जाएंगे आज मार्केट, क्योंकि घर जाने से पहले मुझे करनी है बहुत सारी शॉपिंग। देखो गाइस, आज मैं खा रही हूँ प्याज की सब्जी और पुदीने की चटनी। आप भी आ जाओ मेरे साथ कोटद्वार में खाना खाने। अंदर से मेरी ताई देख रही है, ताई आई भी है मिलने हमसे। कोई नहीं है, मैं वीडियो बना रही हूँ ताई। और मैं पूजा वाले कमरे के बाहर बैठ के खा रही हूँ बरांडे में। ऊपर हमारा पंखा चल रहा है, नीचे हम खाना खा रहे हैं। हमारा नाश्ता हो रहा है लेट, 10 बज रहे हैं। देखो गाइस, खाना पीना हुआ था और मैं पहुंच गई मार्केट, क्योंकि मार्केट जाओ तो पूरा दिन हो ही जाता है मार्केट में। और मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी तो वही मैं एक एक करके लेने जा रही हूँ। देखो गाइस, हमारे ठीक पीछे अचार बनाने वाले हैं। यहाँ पे आपको हर प्रकार का अचार मिलेगा और यहाँ हमारा पानी का बिल जमा होता था। देखो गाइस, यहाँ पे मिलता है अचार ही अचार। देखो गाइस, हम आए थे एक कॉस्मेटिक शॉप में। यहाँ पर से हमें कुछ सामान लेना था तो मुझे कुछ मार्केटिंग की रिसर्च करनी थी, तो मैं गई यहाँ पे शॉप में। तो मैंने 2-3 आइटम, ये देखो सीनरी बहुत अच्छी है, बड़ी बढ़िया। देखो गाइस, अब हम सब्जी वगैरह लेंगे। देखो गाइस, आज हम आए हैं कोटद्वार की मिनी केक्स के पास। और मैं तो साल में एक बार आती हूँ तो पता नहीं चलता कहाँ क्या खुल गया, क्या खुल गया। ये नई शॉप है। कितना टाइम हो गया भैया सब मेरे? अच्छा हाँ, क्योंकि मैं पिछले उसमें आई थी जून में, तो मेरे बाद खुला था तो मुझे पता नहीं है, तो मैं पहली बार आई हूँ। अभी हमने ऑर्डर करा अपना लेमन सोडा, अंदर खाने का भी है आपका। मिनी केक्स वालों की शॉप है, यहाँ पर बहुत कुछ है आपका आइटम्स वगैरह। देखो गाइस, यहाँ पे डोनट वगैरह भी हैं, पोर्शंस भी हैं और केक ऑफ वैरायटी ऑफ केक्स की बहुत सारी है। और यहाँ पे छोटे छोटे हैम्पर भी हैं जो आप गिफ्ट दे सकते हो रक्षाबंधन में, दिवाली में। और यहाँ पे हमारा लेमन सोडा आ गया था और हम दोनों ने पी लिया, फिर हमें जाना था सब्जी लेने। कद्दू खाओ, मैंने कहा कद्दू हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है। पेट हाई हो गया और हम जल्दी भी आ गए ना, इसलिए हो गया। देखो गाइस, यहाँ पे सब मार्केट में निकल रहे हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ है। शाम के टाइम में ऐसा हो ही जाता है, पर हम फिर भी जल्दी निकल के आ गए हैं, क्योंकि हम जल्दी आ गए थे मार्केट में, क्योंकि आगे जाके मुझे लेनी है चप्पलें। और ये हम पहुँच गए चप्पलों की दुकान में। यहाँ पे से मैंने अपने लिए एक प्यारी सी चप्पल ली है, अब वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे चप्पलों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं देखी ये सही है वो सही है। बस चूज़ करते करते ऐसे टाइम हो गया और इस एक वीडियो बनाई मैंने, एक लुक यहाँ पे से मैंने ली थी केस के लिए, सैंडल ली थी। देखो गाइस, उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने सोचा चलो अभी आज का दिन है, क्यों ना पूरा एंजॉय कर ले, इसलिए हम चले गए कर्णाश्रम घूमने। और मैं गई हूँ और मेरे बच्चे गए हैं, और मैंने अपने भाई को काफ़ी छोड़ के आ जाए तो उस बड़ी मुश्किल से हाँ बोला उसने, क्योंकि वो भी बहुत बिजी रहता है। और ये वो वही पुल है जो कि आपका पिछले बरसात में पुल धस गया था और वो अभी पुल नहीं बना है, तो हमें थोड़ा सा रोकड़ के रास्ते जाना था, क्योंकि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, जब बहुत बारिश होगी तो इस रोखड़ में ही पानी आ जाएगा, तो हम गाड़ी आर पानी कर सकते, फिर आपको ऊपर के रास्ते जाना पड़ेगा। एक और रास्ता है जो ऊपर के रास्ता है जो कि जाता है आपका, ये तो आपका हरिद्वार कनेक्ट करता है। हरिद्वार कनेक्ट करने के भी 2 रास्ते हैं, एक तो आपका नजीबाबाद से और एक आपका इधर लाल ढंग से होते हुए जाते हैं हम।
और अभी हम जा रहे हैं कर्णाश्रम। ये आपका है, इसको बोलते हैं कराल घाटी। और काफ़ी देखो सामने पहाड़ दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और शाम के टाइम पे हर कोई बाहर घूमता है, और यहाँ पे भी बहुत सारे आपको लोग घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे। और हम फटाफट चले गए अपने मंजिल की ओर। और व्यू देखो आप, कितना प्यारा व्यू आया है। और मेरा तो जब भी आती हूँ मैं यहाँ, तो मेरा जाने का मन नहीं करता, पर क्या करें, जाना तो है ही। बच्चों की पढ़ाई है, बहुत कुछ है। और यहाँ पे रोड भी अभी नहीं बनी हुई है, मतलब बनती रहती है, हर 5 साल में रोडें नहीं बनती रहती हैं। तो अभी एकदम स्मूथ रोड है, पता भी नहीं चल रहा है, गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है। पिछली बार तो थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे थे, पर इस बार कोई गड्ढे वड्ढे नज़र नहीं आए। और ये हम कराल घाटी से भी ऊपर आ गए हैं। और इधर पास में मेरी दीदी भी रहती है, और मेरी बुआ का घर तो खुनी बॉर्ड में, और ये जहाँ मेला होता है मोहकोट में, वहाँ पे है। देखो पहाड़ कितने ऐसे लग रहे हैं, पहाड़ को हम छूने ही वाले हैं, कितने नज़दीक आ गए हैं पहाड़। और यहाँ पे कर्णाश्रम में जाएंगे तो एक आतरी भी बनाएंगे अपनी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी भीड़ होती है। तो मुझे अभी भी शर्म सी आती है, मतलब मैं अंदर तो बहुत कुछ कर लेती हूँ, मगर बाहर करने में मुझे थोड़ा सा अभी भी झिझक लगती है, नहीं हो पाता है, पर फिर भी कर लेते हैं कभी कभी। देखो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए कर्णाश्रम। अब यहाँ पे से ये पेड़ दिख रहा है, पेड़ के सामने से हम ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे, और वहाँ पे हमारा होगा पुल। और अब इस नदी में ज़्यादा पानी तो है नहीं, बहुत ही कम पानी है। मैं आपको भी व्यू दिखाऊंगी नदी का भी। और अब कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ गंदगी वगैरह भी करने लग गए हैं, क्योंकि दारू वारू पीते भी हैं, और कंच की बोतलों के टुकड़े उकड़े भी मिलते हैं काफ़ी। तो अभी नदी में कोई नहीं जाता है। तो देखो नदी भी एकदम सूख पड़ी हुई है, जब ऊपर पहाड़ों में बारिश होगी तो हमारी नदी में पानी आएगा। और यहाँ पे मैंने एक बनाई रील, आपको मेरे इंस्टा में बहुत जल्दी मिल जाएगी और यूट्यूब में भी। और कर्णाश्रम पहुँचते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तो अंधेरे में वीडियो वगैरह अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। देखो गाइस, हम आए हैं सॉफ्टी खाने, देव नारायण आइसक्रीम वाला। देखो गाइस, अब हम खा रहे हैं सॉफ्टी, कोई खाएगा फालूदा, कोई खाएगा सॉफ्टी। देव नारायण। देखो गाइस, यहाँ पे हम सब ने सॉफ्टी खाई, और सॉफ्टी खाने के बाद हम चले गए चाउमीन लेने। वापस हमने चाउमीन ली और हम पहुँच गए घर। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल आरती नेकी गंगवार में। तब तक के लिए राम राम।